जिसने पुलिस की नाक में किया दम। एटीएम में तोड़फोड़ की, थाना क्षेत्रों की पुलिस होती रही परेशान, जहां एटीएम मशीन में घुसकर एक बदमाश ने जमकर तोड़फोड़ मचाई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस रात भर आरोपी की तलाश में लगी रही। हालांकि घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। शहर के दो अलग अलग थाना क्षेत्र पंडरीनाथ और सेंट्रल कोतवाली में देर रात एक उत्पाती बदमाश ने शहर के दो अलग अलग एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया, जहां देर रात उसे एटीएम मशीन में बदमाश ने जमकर तोड़फोड़ की। पहली जानकारी मिलते ही जब पुलिस पंडरीनाथ थाना इलाके स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर पहुंची तो देखा एटीएम में काफी तोड़फोड़ मची हुई है। तब तक बदमाश भागकर सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के एसबीआई एटीएम में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचा रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस फिर से दौड़कर सेंट्रल कोतवाली पहुंच गई, लेकिन बदमाश पुलिस की आंखों को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस के हाथ बदमाश के सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। हालांकि मामले में बताया जा रहा है कि किसी सरफिरे ने इस तरह की हरकत की है। वहीं मामले में प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। दो जगह पे हुई थी, एक जगह कोतवाली खातीपुरा के पास में और एक नंदलालपुरा चौराहे के पास में एटीएम में। किसी एक व्यक्ति ने प्रयास किया था, उसमें एटीएम को नुकसान भी हुआ, उसमें बाकी किसी तरह की कोई धनराशि उसमें ली गई है ना, उसको एटीएम को तोड़ने में भी तोड़ भी नहीं पाए। खातीपुरा वाले को तो उन्होंने सिर्फ तोड़ने का वो एटीएम को ही थोड़ा सा झुका था और यहाँ पे उन्होंने ज़रूर थोड़ा सा उसकी छत व तोड़ने का प्रयास किया। एक ही व्यक्ति दोनों वारदातों में शामिल है, जो फुटेज के आधार पर उसमें प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया और उसकी तलाश कर। इंदौर में शराब का नशा खून के रिश्ते पर भारी पड़ गया। भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया, डंडे से पीट पीट कर अपने सगे भाई की जान ले ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक भवानी कैथवास का पिपलियाना काकड़ में शव मिला था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जांच में पता चला है कि मृतक के सगे भाई प्रदीप कैथवास ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना की वजह सामने आई है कि दोनों भाई शराब पीने के आदी थे और हमेशा मां बड़े बेटे प्रदीप को निकम्मा कहकर ताने मारती थी, वहीं भवानी की तारीफ करती थी। इसी के चलते प्रदीप भवानी से खुन्नस पाल बैठा था और शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया।